पिछले 3 साल से हमारे राजस्थान में हरित राजस्थान बड़े जोर शोरों से चलाया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत घटते हुए भूजल व बढ़ते हुए पर्यावरण को रोकने के लिए लागू किया है। आज हम देखते हैं राजस्थान के करौली जिले की वास्तविक स्थिति, हरित राजस्थान कितने सफलता की सीमा पर पहुँचा है। जो हमारे ये सिटी पार्क है, इसमें जो ये पेड़ पौधे लगाते हैं, नाम मात्र केवल दिखाने के लिए पेड़ पौधे लगाते हैं, लेकिन उन पौधों की देखभाल कोई नहीं करता है। देखभाल के लिए अगर हम ये मान के चलेंगे देखभाल करते हैं तो यहाँ पर पानी का कोई सोर्स नहीं है। अगर ये कहते हैं कि हम टैंकरों से डलाते हैं तो एक दो टैंकर एक बार डला के छुट्टी कर जाते हैं, तो पौधे पनप भी नहीं पाते हैं। कितने पेड़ों को लगाया जाता है हर साल? यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा 5-7-10 पेड़ लगाए जाते हैं। ये हरित राजस्थान अभियान की शुरुआत कैसे हुई? शुरुआत तो मतलब जैसे गवर्नमेंट जो प्रोग्राम होते हैं उसके तहत इन्होंने सिटी पार्क को इसके लिए चुना कि भाई हम यहाँ मतलब सिटी पार्क बनाएंगे। कई बार इसका बजट भी आता है, बजट को भी ये लोग कहीं भी उसको कहाँ यूटिलाइज करते हैं ये हमें पता नहीं। बाकी पेड़ पौधे लगाने के लिए सिटी पार्क नाम ही इसीलिए रखा गया था इसका, कि यहाँ पर पेड़ पौधे और बागवानी की जाए। लेकिन आज इसमें यहाँ जानवर डोल रहे हैं, कभी यहाँ यज्ञ होता है, कभी यहाँ मेला लगता है, कभी यहाँ कोई मीटिंग होती है, कोई कलेक्टर की मीटिंग, कोई फंक्शन, और अब इसमें नगर पालिका की बिल्डिंग बन रही है। तो ये सिटी पार्क तो नाम का केवल सिटी पार्क है, यहाँ पर कोई हरित नहीं, कुछ भी नहीं है। आज की तारीख में एक भी पेड़ पौधा वहाँ नहीं है। कितने % वृक्षारोपण किया गया करौली के अंदर? वृक्षारोपण तो मेरे ख्याल से 100% ही होता है, लेकिन चूँकि जीवित तो उसमें से 5% भी नहीं रह पा। क्यों नहीं जीवित रह पा रहे? चूँकि सावन नहीं, उसकी देखभाल नहीं होती है, लगाने के बाद में उसको कोई देखता नहीं है दोबारा से, तो इसलिए ये सफल नहीं है। यदि हमारी राज्य सरकार इस तरह की परियोजनाएं चलाती है और उसके लिए अनाप शनाप फंडिंग करती है तो उस फंडिंग का उपयोग तो होना चाहिए। इस तरह की स्थिति को देखते हुए तो सरकार की योजनाएं सारी निष्फल हो रही हैं। पौधों को लगाने से पहले उनकी सुरक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए थी। सुनीता कसेरा, इंडिया अनहर्ड के लिए।